खैरतल ईपी स्कूल का प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 संकल्प मातो रोड स्थित सुंदरम गार्डन में आयोजित किया गया। समारोह में विधायक दीपचंद खैरिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विधायक खैरिया ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान व खिलाड़ी भी होना चाहिए, इससे बच्चे में शारीरिक मानसिक व बौद्धिक विकास होता है। विधायक खैरिया ने कहा कि शिक्षक बच्चों को तराशता है, इसलिए शिक्षक बच्चों का शिल्पकार होता है। इस दौरान खैरतल ईपी स्कूल निदेशक आजाद चौधरी ने आगंतुक अतिथियों का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रधान बीपी सुमन, तहसीलदार मदन सिंह, शिक्षक उम्मेद सिंह गोदार, खैरतल कांग्रेस शहर शिव चरण गुप्ता, खैरतल नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष विक्रम विक्की चौधरी ने भी अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक, देशभक्ति और संदेश प्रद कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां पेश की। विधायक दीपचंद खैरिया, प्रधान बीपी सुमन, खैरतल नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी सहित अन्य अतिथियों एवं स्कूल निदेशक आजाद चौधरी द्वारा होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। हमारे प्राइवेट स्कूल भी है, इसलिए उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वैसे स्कूलों को जिसकी गाथाएं यहाँ गाई जा रही है, जिनके बच्चों को यहाँ प्राइज दी जा रही है, निश्चित तौर से ऐसे स्कूल बधाई के पात्र हैं। श्री साथियों, शिक्षा में आगे बच्चे को आगे बढ़ाने में, अच्छी योग्यता प्राप्त करने में कोई एकाध चीज की जरूरत नहीं है, बहुत सी चीजों को उसमें सम्मिलित होते हैं जब ही आगे बढ़ पाते हैं। सबसे पहले निश्चित तौर से देखा जाए तो नींव मजबूत होनी चाहिए, और नींव रखी जाती है घर में, और घर में वातावरण कैसा है और उसकी माँ उसको किस दिशा में प्रेरित करके आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, ये निश्चित वो नींव मजबूत रखी जाती है। वो नींव मजबूत अगर ये रखी गई तो निश्चित तौर से आगे उसका बच्चा कभी नहीं रुकेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, बहुत शिखर को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। ये निश्चित तौर से माँ